अगर आप कोटक 811 या फिर कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं और अगर आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे जिससे आप अपने कोटक 811 या फिर कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से कोटक महिंद्रा बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने कोटक 811 या फिर जो आपका कोटक महिंद्रा मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसको ओपन करेंगे। यहाँ स्टेटमेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ई स्टेटमेंट का पेज खुलेगा। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है अकाउंट्स और दूसरा है क्रेडिट कार्ड। तो आप दोनों के स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, इसके लिए अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जिस भी ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है उस ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप मंथली स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड होगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और इस स्टेटमेंट में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे सभी के डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। अगर आपको इस स्टेटमेंट को ईमेल आईडी पर मंगाना है तो इसके लिए यहाँ पर अकाउंट लेवल स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या फिर अपने हिसाब से 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर आपने जब अकाउंट ओपन किया था तब से लेकर अब तक का स्टेटमेंट चाहिए वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे सबमिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका ईमेल आईडी दिखेगा जिस पर इस अकाउंट स्टेटमेंट को मंगाना चाहते हैं। नीचे कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ई स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर ये जो ई स्टेटमेंट है आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। ये जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, जिसका पासवर्ड आपका CRN नंबर होता है। तो दोस्तों ऐसे आप बड़ी आसानी से अपने कोटक बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपने ईमेल आईडी पर भी मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।